5000 5500 6000 यही इतना मिलता है। हम आपसे कंप्लेन किए हैं, कल से हमें ड्यूटी नहीं देगा, फिर हमें 15 दिन हमें धक्का खाएंगे, फिर बच्चे क्या मरेगा, भूखे मर जाएगा हमारे बच्चे, क्या कर सकते हैं। इसलिए हमारे मजबूरी है, कानून हमारा अंधा है जो हमारा नहीं देखता है। ऐसा ही है कि बवाना में जितनी भी कंपनियां हैं, यहाँ पे किसी का हाथ कटे या किसी का कुछ भी नुकसान हो या बंदा जान से मरता है, न यहाँ की कंपनियाँ कुछ देती हैं, न यहाँ की कंपनियाँ कोई मुआवजा देती हैं। किराया 2500 रुपये देती है, अब मान लो 6000 रुपये तनख्वाह मिल रही है, 2500 रुपये किराए में चला जाएगा तो कितना बचा, तो वही 3500 रुपये बचा। 3500 रुपये में से कहाँ से खर्चा चलेगा, क्या बच्चों की फीस भरी जाएगी, क्या होगा इसमें। ऊपर से मान लो 4 छुट्टियां मिलती है, उसमें भी मान लो ओवर टाइम लगाते हैं हम, तो अगर बीच में छुट्टी कर देते हो तो वो भी कट जाता है। कंपनी में हमारी मम्मी ख़त्म हो चुकी हैं, उसमें कहते हैं कि पटाखे का काम होता था डुक छुप के, और कहते काम होता भी था तो अंदर से भी ताला बाहर से भी ताला, इंसान जाएगा तो जाएगा कैसे बाहर निकल के। किराए की ये दिक्कत है, ना पानी के साधन है, ना पंखा के साधन है, ना लेटरिन के साधन है, मैंने इत्यादि में क्या कहा जाए, हर एक चीज़ के मैंने वहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है। मिट्टी के तेल से सफाई करते करते सारे हाथों में एकदम एलर्जी सी हो जाती है, खुजली सी मचने लग जाती है। बोलो ग्लव्स वगैरह के लिए तो कहते हैं करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो। वैसे जाते 9 बजे हैंगे, 7 बजे छुट्टी देता है, 5000 रुपये देता है। हमारी मांग क्या है कि जैसे हम मेहनत करते हैं, हमारा भाई जितना मेहनत करते हैं हमारा जितना होता है वही आप दे दो। आपसे मैं ज़्यादा नहीं मांग रही हूँ, आपसे कम मांग रही हूँ।